राजस्थान स्थापना दिवस पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मजबूत इरादों और नवाचारों से आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मूल भावना के अनुरूप पुलिस ने अपना दायित्व निष्पक्षता और संवेदनशीलता से निभाया है। आपने पूरे प्रदेश के अंदर जो अभियान चला है वो बहुत ही कामयाब रहा, आगे भी ऐसे अभियान चलते जाएंगे। पर कोरोना की जो बात मैंने कही थी वो एक संवेदनशीलता का परिचायक था। कोरोना जब इतनी भयंकर महामारी थी पूरे विश्व के अंदर, पहले फिर मालूम नहीं था कि मेरा खुद का क्या होगा जीवन, तब भी अगर मेडिकल साइड में सब लोगों ने काम किया तो सरकारी गैर सरकारी किसी ने कमी नहीं रखी। पुलिस कांस्टेबल तक ने घरों में खाना पहुंचाने का काम किया, क्योंकि लॉकडाउन था उस वक्त में, उनके खुद के जीवन को खतरा था, उसकी परवाह नहीं करी। तो मैं तो बहुत इस पर गर्व महसूस करता हूँ। राजस्थान में पुलिस का इकबाल बुलंद है, अच्छा काम कर रहे हैं, और जो कुछ भी घटनाएं होती है वो तो हिंदुस्तान भर में क्या दुनिया में होती है, हमें उनसे मतलब नहीं। दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, हम तो चाहते हैं राजस्थान में क्राइम पे लगाम लगी रहे, कोई ऐसे पैदा ही नहीं हो जो गैंगस्टर हो। गैंगस्टर पैदा होने क्यों दे जाए? पुलिस का प्रशासन का काम है कि कोई अगर गलत रास्ते पर जा रहा है, नौजवान या कोई भी व्यक्ति, उन कारणों से समय रहते हुए अंकुश लगाए, कड़ी कार्रवाई करे जिससे कि गैंगस्टर बने नहीं। जहाँ गैंगस्टर बन गए हैं आप देखते हो देश के अंदर क्या हो रहा है जगह जगह पर। ये घटनाएं राजस्थान में कोई जमाने हुआ करती थी, देखिए कई जमाने में राजस्थान बहुत हुआ करते थे बॉर्डर पर, धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि कितना फर्क पड़ गया। तो राजस्थान में मैं समझता हूँ कि कानून व्यवस्था भी अच्छी है, क्राइम कंट्रोल हुआ है, नवाचार हमने किए जो FIR कंपनी करने का, पब्लिक का इकबाल बढ़ा है।